ये मेहनत की जीत है, ये जज्बे की जीत है, संयम और संकल्प की जीत है, ये अनुशासन की जीत है, ये योग से जुड़ने का फल है, सार्थक परिणाम है, सराहनीय कोशिश को सलाम है। साथ में हैं हम। सेक्रेटरी ऑफ वर्ल्ड योगासना, चेयरमैन ऑफ हरियाणा योग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मिस्टर सतीश सरहदी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिस्टर चंद्रराज रॉयचंद, चांसलर ऑफ जैन यूनिवर्सिटी, हॉनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर श्री महेंद्रनाथ पांडे, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम, आगे बढ़ना चाहते हैं हम, मत करो साथ दे। और इस समय केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, उनके दाई तरफ चेंगराज रायचंद जो कि चेयरमैन है जैन यूनिवर्सिटी के, और ये कांस्य पदक गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। कमाल का प्रदर्शन किया इस टीम ने, मधु, अनुष्का, पूजा, प्रोमिला, रवीना और देवी, 493.20 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। भंवरलाल आर्य जो कर्नाटक योग संस्थान के अध्यक्ष हैं, वो इन पदक विजेताओं को पदक दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और ये वाकई परिश्रम की जीत है, अनुशासन की जीत है, संयम और संकल्प की जीत है, ये मेहनत का सार्थक परिणाम सामने आया है। योग से जुड़ने के क्या फायदे जीवन में हैं, वो भी सभी लोगों ने समझा जाना है। आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी रजत पदक 497.05 के साथ रजत पदक जीता है सृष्टि शेंडे, नुपुर बकाले, कल्याणी छाकुली सेलोकर, रसिका भक्ते और अदिति चौधरी ने। हालांकि अदिति चौधरी अगर थोड़ा सा और ठीक खेल जाती तो टक्कर दे सकती थी। खेल है, खेल में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय की टीम जो तीसरे स्थान पर थी, अपने प्रदर्शन में सुधार किया और 497.05 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। डॉक्टर संजय मालपानी राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ के जो उपाध्यक्ष हैं और साथ ही इस योगासन प्रतिस्पर्धा के कंपटीशन मैनेजर डॉक्टर संजय मालपानी पदक विजेताओं को पदक प्रदान कर रहे हैं। और ये लम्हे जो हैं वो लंबे समय तक इन खिलाड़ियों के जहन में रहेंगे, योग साधकों के जहन में रहेंगे। और अब स्वर्ण पदक की बारी है, स्वर्ण पदक जीता है सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र की टीम ने, 500 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर सानिका केलकर, आकांक्षा खराड़े, स्नेहा काले, प्रगति देशमुख, श्रेया कंधारे और ज्योत्सना धनधेरे जिन्होंने कि स्वर्ण पदक पर अधिकार पाया 500 अंक के साथ। राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य इस समय पदक विजेताओं को पदक प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत ही हर्ष का लम्हा है, योग आपको नई पहचान भी दिलाता है, योग सकारात्मक भाव से भरता है, जीवन जीने की कला सिखाता है और इन खिलाड़ियों को योग ने आज एक नई पहचान दिलाई है, एक नया सम्मान दिलाया है और खेलो इंडिया के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से नाम भी अंकित करवाया है।
पहली बार योगासन की स्पर्धा को खेलो इंडिया में शामिल किया गया और इस पहले योगासन की प्रतिस्पर्धा में ही सावित्री बाई फूले विश्वविद्यालय पुणे की इन प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर सबको प्रभावित किया। दोनों वर्गों में पुरुष और महिला में महाराष्ट्र की टीमों ने स्वर्ण पदक पर अधिकार किया है, ये बड़े फख्र की बात है। और अगर हम बात करें कांस्य पदक की तो वो भी दोनों वर्गों में महाराष्ट्र को गए। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, और जिस समय प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है पदक विजेताओं को, और कांस्य पदक दोनों ही वर्गों का हरियाणा को गया है। जी हाँ, तो एक जो मिनी इंडिया का यहाँ समागम देखने को मिला इस योगासन प्रतिस्पर्धा में। महाराष्ट्र पश्चिमी भारत की टीम ने हिस्सा लिया, हरियाणा उत्तर भारत की टीम ने हिस्सा लिया, पूर्वी भारत की तरफ से कलकत्ता विश्वविद्यालय का भी प्रदर्शन सराहनीय रहा, और दक्षिण भारत की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीकट ने प्रदर्शन किया यहाँ पर। साथ ही साथ जो एक और प्रदर्शन था वो था आपका स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक का। तो भारत के जो चार भाग हैं उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, सभी का समागम देखने को मिला। जैन विश्वविद्यालय के कर्ता धर्ता जैन राज रायचंद इस समय कांस्य पदक विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान करते हुए। और डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री इस समय रजत पदक विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर रहे हैं। भारत में योग काफी लोकप्रिय है और योग की लोकप्रियता का लोहा दुनिया ने भुनाना है। यहाँ स्वर्ण पदक विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर रहे हैं भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, और सावित्री बाई फूले विश्वविद्यालय की ये जो टीम है सानिका, आकांक्षा, स्नेहा, प्रगति, श्रेया और ज्योत्सना की इस टीम के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है। इस लम्हे को हर कोई अपने पास लंबे समय तक कैद करके रखना चाहता है। और कोच हैं जो साथ में, उनकी चेहरे की प्रसन्नता भी देखिए आप। जी हाँ, योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही इन प्रतिभागियों ने महीनों की कड़ी तपस्या की, साधना की, और इस साधना का परिणाम है स्वर्ण पदक। हर कोई जीतने के लिए आता है, हर कोई प्रतियोगिता में चाहता है कि वो अव्वल साबित हो, लेकिन अवसर एक ही टीम को मिलता है और ये अवसर मिला है इस बार सावित्री बाई फूले विश्वविद्यालय पुणे महाराष्ट्र की टीम को। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जैन ग्लोबल कैंपस ने शानदार व्यवस्थाएं की, रहने की, ठहरने की, मनोरंजन की, आयोजन की और खाने पीने की। बधाई के पात्र हैं जैन विश्वविद्यालय, जैन ग्लोबल कैंपस और उनका पूरा स्टाफ। जी हाँ बिल्कुल, जिस ढंग से योगासन का आयोजन यहाँ पर किया गया वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही कमाल का आयोजन, और बहुत ही एक योगासन के अनुकूल मौसम और वातावरण का निर्माण किया गया, चाहे हर तरीके से हम कहें। और निर्णायक मंडली का बहुत ही अहम भूमिका, और इस समय पदक वितरण समारोह योगासन परिसर में। Yes, thank you winners. So now